आज का ब्लॉग पूरा बीमार काइंड ऑफ ब्लॉग होने वाला है हाई एवरी वन गुड मॉर्निंग मैं पहले से सोच के रखी थी कि मैं आज के डे ब्लॉग करूंगी और मैं सोची थी कि एक अपडेटेड काइंड ऑफ़ वीडियो शेयर करूंगी कि क्या हो रहा है लाइफ में और क्या फेस्टिविटीज़ के वीडियोज़ आने वाले हैं सारी चीज़ें अपडेट करने वाली थी और नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे भी है उससे रिलेटेड में मैं चीज़ें शेयर करने वाली थी बट पिछले तीन दिन से मैं बहुत बीमार हूँ अचानक से मेरे को हेड Uh, बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया मतलब मैं बताऊं तो पांच uh, छह दिन से वो हो रहा था और जिसकी वजह से मेरे को अभी कंटिन्यूअसली स्पेक्स पहन के रहना पड़ रहा है अदरवाइज मेरे को फिर से हेड होने लग रहा है और वो बहुत ही ज्यादा सीवियर हेड हो रहा है मतलब आई जस्ट कांट ओपन माई आईज आई नो रीजन क्या है कि मैं स्पेक्स कंटिन्यूसली uh, नहीं पहनती हूँ दूसरा रीजन ये है कि मैं रिंग लाइट्स के नीचे काम करती हूँ जिसके नेगेटिव इंपैक्ट माइग्रेन एंड हेड होने लगता है आग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कल रात से मेरे को सर्दी जुकाम भी हो गया कल पूरा नोज एंड थ्रोट पेन हो रहा था नोज ब्लॉक हो गया था एंड आज सुबह से मेरे को फीवरिश लग रहा है लाइक मेरे को अभी हंड्रेड टेम्परेचर है सो so, पूरा <laughs> एकदम बीमार काइंड ऑफ व्लॉग बन रहा है बट आई थॉट कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं हमेशा अच्छी चीजें शेयर करती हूं बट रियलिटी ऑफ लाइफ भी मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि आप भी मेरे लाइफ के पार्ट है एंड व्लॉग में ऐसे मतलब कैजुअली बात करना भी अच्छा लगता है तो so, बैस आज के दिन में मेजर इवेंट एक था कि मेरे को रात को नौ बजे मेरा अमेजोन लाइव स्ट्रीमिंग है आप लोग को शायद नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में अगर नहीं फॉलो करते हैं तो आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूँ अभी मैं ये मेरा सिक्स एमेजोन लाइव है मैं अमेजोन के लिए लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ जहां पे उनके अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो मैं यूट्यूब में भी शेयर करती हूँ वही मैं लाइव आके उनके प्लेटफॉर्म में शेयर करती हूँ तो ये मेरा सिक्स लाइव सेशन है और आज रात के नौ बजे है हालत तो मेरी काफी टाइट है आवाज भी काफी दबी हुई है एंड फिवरिश भी लग रहा है पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी बट देन आई थॉट कि जस्ट फोर्टी टू फिफ्टी मिनट्स का होता है करके खत्म कर लेती हूँ अदरवाइज ये कैरी फॉरवर्ड जब होता है ना तब मेरे को ज्यादा टेंशन होने लगता है कि ठीक होगा नहीं होगा देन एंड देर खत्म हो जाए ठीक लगता है तो इसीलिए ही ना रीजन ये है कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अगर ब्लॉगिंग करूंगी तो ये मेरा एनर्जी जो है ये बरकरार रहेगा एंड शाम तक मैं अच्छे से लाइव सेशन कर पाऊंगी सो गैस ये सारे अपडेट ना मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में डालती हूँ अगर आप नहीं फॉलो करते तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप मेरे को फॉलो कीजिए और लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन कीजिए मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे फॉलोअर्स आके मेरा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं सो लेट्स सी आज का ये व्लॉग कैसा जा रहा है एंड मेरा डे बेटर हो रहा है कि वर्स होते जा रहा है बट पहले चाय पीते हैं एंड टेम्परेचर अभी हंड्रेड है तो मैं सोच रही हूँ एक मेडिसिन uh, भी ले लिया जाए अभी मैं चाय पीते पीते ना अपना टू डू लिस्ट बना के रखती हूँ यहाँ पे ना एक पेपर लेके रखती हूँ जो पहले ये क्लिपबोर्ड होते थे ना उसी में ही बना के रखती हूँ डायरी और पेन में ना क्या होता है कभी कभार मैं इंपॉर्टेंट काम भूल जाती हूँ तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी इस तरीके का तो डायरी में मेंटेन करती हूँ जो भी मेरे मेल्स uh, का रिप्लाई करना है या फिर कुछ uh, नए आइडियाज़ आ रहे हैं वो सारे उसमें लिख देती हूँ सो so, आज का जो काम है बहुत सारे हैं का हमेशा की तरह बहुत सारा है बट मैं थोड़ा सा ना टाइम के हिसाब से सेग्रीगेट कर चुकी हूँ और अभी मेरे को थोड़ा सा हंड्रेड फीवर आ रहा है तो मैंने मेडिसिन तो खा लिया है तो अगेन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है लाइव स्ट्रीमिंग का कि मुझे सेटअप करना रहता है कि कहाँ पे बैठ के मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी वो मैंने कुछ नहीं किया है सोचा ही नहीं है कहाँ पे करूँगी सो so, उसका भी सेटअप करना है और मेरे टू डू लिस्ट में क्या है वही अमेजोन लाइव स्ट्रीमिंग के रिलेटेड मेरे को तीन चार काम है जो मेरे को करना है फिर शॉर्ट्स एंड रील हर दिन मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट रील मैं डाल पाऊँ तो उसका एडिटिंग वगैरह करना है एंड अपकमिंग गणेश पूजा का भी प्रिपेयर करना है मतलब मेरा मेरा टू डू लिस्ट ना नेवर एंडिंग होता है मतलब इतनी छोटी सी दिमाग में मैं कितना प्लानिंग करती हूँ हाय 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 सो यस गाइस अभी तो फिलहाल काफी लेट हो रहा है डेढ़ बज रहा है मैं ना ही धोई नहीं हूं तो so अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा लू बट मेरे को अभी फीवर है अगर मैं नहा लूंगी तो मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और अगर नहीं नहाऊंगी लेट में नहाऊंगी तो और भी मेरे को शाम के टाइम में ना फीवरिश फील होगा पता नहीं यार मैं ना बड़ी झमेले में फंस गई हूँ लेट्स होपफुली मेरा आज का दिन प्रोडक्टिव रहे मैं सो के ना बिताऊ क्या हाल बना रखा है? गाइस, बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मोबाइल को मैं ये एंगल पे ला पाऊं और अभी तीन बजने को आ गया है मैंने लंच कर लिया नाना धोना बिल्कुल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को अभी फ़ीवर है और फीवर बढ़ रहा है तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि अगर मैं नहा लूँ तो टेम्परेचर बढ़ जाता है मेरा ऑफकोर्स सबका बढ़ता होगा बट यस मैं उस नहा ही नहीं अभी मैंने मेडिसिन वगैरह तो ले लिया है तो देखती हूँ एडिटिंग करूँगी क्योंकि अगर मैं सो गई ना मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ सोना मैं रेस्ट लूँगी लाइक uh, like, थोड़ा बहुत लेट के एडिटिंग वगैरह करती हूँ और बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा तो सो जाऊंगी बट स्टिल में कर रही हूँ शाम हो चुका है गाइस थोड़ा सा बंद करो शाम का छह बज रहा है दवाई ववाई खा के अच्छे से सो गई उठ के नहा भी ली ये सोच के कि नहाने के बाद थोड़ा सा मेरे अंदर एनर्जी आएगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मेरा बुखार उतर गया है या मेरे को अच्छा फील हो रहा है जस्ट मेरे को लाइव अच्छे से करना है अच्छा दिखना है तो फेस में टायर्डनेस नहीं आई इसीलिए मैं नहा ली और अभी मैं चाय पी रही हूँ और इसमें ना मैंने भुजिया डाला है मतलब सेव सेव बोलते हैं ना इसको भुजिया सेव भुजिया सेव सो so गाइज मैं अभी फाइनली रेडी हो गई हूँ तीन चार कपड़े मैं चेंज किए बट फाइनली मैंने एक टॉप डाल दिया बिकॉज सूट वूट में ना मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि वो मेडिसिन का थोड़ा सा साइड इफेक्ट है कि गर्मी ज़्यादा लगती है बट फाइनली आई एम रेडी अभी आठ दस हो रहा है ऑलमोस्ट मेरे पास फिफ्टी मिनट्स और है बट मैं थोड़ा तो सा रेडी होके अभी आराम से इसी में बैठूंगी गर्मी थोड़ा सा बेहतर हो जाए बट मैं आपको अपना सेटअप दिखा देती हूँ सो यहाँ पे मैंने अपना सेटअप बनाया है तो बैकग्राउंड में कुछ ऐसा आएगा साइड में प्लांट्स रख दिए हैं एंड रियालिटी uh, मतलब स्क्रीन पे तो यहाँ पे मैंने मोबाइल सेट किया तो स्क्रीन पे इतना ही आता है बाकी रियलिटी यहाँ पे रहता है फैले पड़े रहते हैं बॉक्सेस फैले पड़े रहते हैं और टेबल पे भी सारे सामान होते हैं लैपटॉप के साथ ही मेरे को बैठना पड़ता है तो हर लाइव में ना मेरा जो बैकग्राउंड uh, है मतलब बैकड्रॉप है वो चेंज होता रहता है तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऐसे करती हूँ थोड़ा सा एस्थेटिकली अच्छा लगे पहले मैं सोची थी जो जन्माष्टमी मैंने बैकड्रॉप बनाया था उसे ही यूज कर दो बट क्या हुआ ना कि आ, साइड में फ्रेम बहुत आ रही थी और वो मजा नहीं आ रहा था ऐसा लग रहा था कि ना मतलब मैं आ, बैठी हूँ एक छोटे से बैकड्रॉप से एंड साइड से सब दिख रहा है वो काफी आ, अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसको चेंज किया एंड यहाँ पे ऐसा बैकड्रॉप बनाया है ठीक नौ बजे मेरा लाइव है तो मैं लाइव जाऊंगी टिल 45 uh, 50 मिनट्स मेरे को लग रहा है मैं कर लूंगी बट खाली मेरे को गर्मी से बचना है लेट्स सी ये लाइव कैसा जाता है हाय एवरीवन वेलकम टू माय Amazon लाइव आई होप आप सब कोई फिट एंड फाइन है और आज का जो लाइव सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूं सो गाइस लाइव सेशन इज डन मैं अभी बैठ के फ्रेंड्स देख रही थी एंड डिनर किया मैंने थोड़ा आलू गोभी सब्जी एंड रोटी खाया मेरा मेकअप भी उतार दिया है फेस uh, वॉश क्या है स्किन केयर क्या नहीं है मैं आजकल लास्ट ट्वेंटी डेज से अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ एंड मेरा स्किन उससे काफ़ी अच्छा फील करता है अगर आपको मेरा स्किन केयर रूटीन जानना है तो मेरे को कमेंट करके बताना नेक्स्ट व्लॉग में हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है ट्वेंटी डेज से ट्राई कर रही हूँ कोई भी एक्ने या पिम्पल्स नहीं आए हैं एंड सारे अच्छे हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं सो या अगर आपको जान ना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और जैसे मैंने बताया लाइव स्ट्रीमिंग वॉज गुड ऑल्सो सैटरडे को तीन बजे अगेन मेरा लाइव सेशन है गाइज अगर आपको देखना है कि लाइव मेरा कैसे होता है क्या प्रोडक्ट्स मैं शेयर करती हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो लाइव सेशन है ना वो कुछ यूनिक एंड इंटरेस्टिंग है गायस तो मैं आप लोग को भी हाईली रिकमेंड करूँगी कि मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करना तो अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो एमेजोन के ऐप में जाके आप देख सकते हो सैटरडे ट्वेंटी सेवन्थ ऑगस्ट तीन बजे मैं लाइव आऊँगी और नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे होने वाला है तो मैं सोच रही हूँ उसी अराउंड में कुछ uh, बर्थडे व्लॉग भी करूँ एंड गणपति भी है तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग uh, वीडियो कंटेंट आने वाले हैं सो स्टे स्टेट्यून अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना तो चलिए मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर